अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कि हम अपने लैपटॉप में अपनी फाइल को किस तरह कंप्रेस कर सकते हैं मैंने वो बताया था, तो बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि एंड्रॉयड मोबाइल पर बताएं। तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर PDF फाइल को किस तरह कंप्रेस कर सकते हैं। जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो उसको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे एंड्रॉयड मोबाइल पर ये हमारे पास है कैम स्कैनर ऐप, जिसके अंदर हमने अपनी PDF फाइल बनाई थी। तो इसी के अंदर हम अपनी PDF फाइल को सिंपली कंप्रेस भी कर सकते हैं। देखिए, मैं अपनी कैम स्कैनर की ऐप को ओपन करता हूँ। ये ओपन हो रही है। ये फाइल की, ये कैम स्कैनर किस काम के लिए है और इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, अगर किसी ने मेरी अभी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो जाके वो वाली वीडियो भी देख लें। अब ये देखिए, ये मेरे पास एक फ़ाइल है 2630 की, तो मैं इसको अब सिंपली कंप्रेस करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से सिंपली PDF टूल लेने हैं। ये देखें, ये फ़ाइल है, यहाँ से के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा PDF टूल्स के नाम से एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपने सिंपली PDF कंप्रेशन को लेना है। आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने अपनी फ़ाइल क्लिक करनी है, ठीक है। ये देखें जी, हमारे पास ये रही हमारी फ़ाइल जो कि 18 MB की है। ये देखें, मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ। ये फ़ाइल हमारी प्रोसेसिंग करेगी। ये फ़ाइल हमारी 18 MB की है। ये फ़ाइल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये फ़ाइल हमारे पास 18 MB के हमारे मोबाइल में सेफ है। अब ये सिंपली आप देख सकते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट रिड्यूस टू 2.96 MB तक हमारी फ़ाइल रिड्यूस हो गई है, क्योंकि हमने जब KIU पोर्टल पर अपनी फ़ाइल अपलोड करनी होती है तो उसके लिए हमें सिर्फ 5 MB की फ़ाइल होनी चाहिए। तो ये फ़ाइल अब हमारी 2.96 MB की हो गई है। अब सिंपली मैं इसके शेयर पर क्लिक करूँगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपने करना है सेव टू लोकल। जैसे ही आप सेव टू लोकल करेंगे ये फ़ाइल आपकी लोकल में सेव हो जाएगी। लोकल मतलब आपके मोबाइल में, ठीक है। ये नीचे इसने बता दिया कि आपकी फ़ाइल कहाँ पे सेव हुई है। अब सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमने फाइल्स में आना है। फाइल्स में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास लोकल में हमने जाना है। लोकल में इंटरनल स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज के बाद हमारे पास कैम स्कैनर नाम में ये फोल्डर मौजूद है। कैम स्कैनर के बाद हमारे पास यहाँ पर फोल्डर PDF फाइल के नाम से है। यहाँ पर हमारे पास ये देखें, ये फाइल का साइज़ है 2.33 MB। अब इस फाइल का मैं ओरिजिनल साइज़ आपको दिखाता हूँ। ये फाइल, ये देखें, हमारे पास ये फाइल सेफ है व्हाट्सएप के अंदर। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना देखते हैं, व्हाट्सएप वाला फोल्डर हमारे यहाँ पे मौजूद होगा। ये देखें, ये हमारा फोल्डर मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास हमने जाना है मीडियाज़ के अंदर। मीडियाज़ के अंदर हमारे पास यहाँ पर आएगा व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास ये फाइल होगी, यहाँ पर नहीं है तो हम दोबारा देखते हैं, दूसरे व्हाट्सएप में होगी। यहाँ पे हमारे पास ये GB व्हाट्सएप के अंदर होगी। यहाँ पे हमने मीडिया फोल्डर में GP डॉक्यूमेंट्स, ये देखें, यहाँ पे ये देखें, ये हमारी फ़ाइल जो हमने कंप्रेस की है। और ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये फ़ाइल है 18 MB की, ठीक हो गया। ये आपको नज़र आ रही होगी 18 MB की, ठीक हो गया। और अब मैं ये देखें, ये हमारी ये वाली फ़ाइल है ना, अब मैं इसको कंप्रेस करता हूँ। जो हमने पहले कंप्रेस की है वो हमारी फ़ाइल थी ये वाली 6 MB की। अब मैं ये 18 MB वाली फ़ाइल को कंप्रेस करता हूँ कि ये हमारी कंप्रेस कर कितनी होती है। तो हम सिंपली अब दोबारा कंप्रेसर में जाते हैं अपने, ठीक है। तो हम कैंसिल करते हैं, फाइल से बैक जाते हैं और यहाँ पर हम फाइल्स में जाते हैं। फाइल में इंटरनल स्टोरेज में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास GB व्हाट्सएप में हमारी फ़ाइल सेव है। तो ये देखें, ये हमारे पास GB व्हाट्सएप आ गया। यहाँ पे मीडियाज़ के अंदर हम जाएंगे। मीडियाज़ के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट का फोल्डर होगा, इसके अंदर हम जाएंगे। हमारे पास ये रही फाइल, ये 18 MB की। इसको मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, ये अब हमारी फ़ाइल कंप्रेस कर देगा। ये कंप्रेस करने में थोड़ा टाइम लेगा। अगर आपकी फ़ाइल यहाँ से कंप्रेस करने के बाद भी आपकी फ़ाइल का साइज़ 5 MB ना हो तो हम उसका भी इलाज करेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ी फ़ाइल होगी उसका उसने एक ख़ास हद तक कंप्रेस करना है। अगर आपकी यहाँ पे एंड्रॉयड के अंदर फ़ाइल कंप्रेस नहीं होती कैम स्कैनर के अंदर, तो इसके लिए जो मैंने आपको पिछली वीडियो में PDF टू गो कन्वर्टर बताया था, तो फिर आप वहाँ से कन्वर्ट करें। वहाँ से आपकी फ़ाइल ज़्यादा अच्छी, आई थिंक 82% तक कंप्रेस हो जाएगी। अब ये कैम स्कैनर हमारी फ़ाइल कंप्रेस करता है, फिर हम देखते हैं। हमने पिछली जो फाइल कंप्रेस की थी वो हमारी 6 MB की फ़ाइल थी। 6 MB को उसने कंप्रेस करके 2 MB में ले आया वो। अब ये 18 MB की फ़ाइल को हम चेक करते हैं कंप्रेस करके वो लेके जाता है या नहीं लेके जाता है। ये देखें,
देखिए ये हमारी फ़ाइल कंप्रेस नहीं हुई, सिर्फ 7 MB हुई है, और हमें अपनी फ़ाइल कंप्रेस करनी थी सिर्फ 5 MB तक। तो अब हम इसके लिए क्या कर लेंगे, अब हम जाएंगे अपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद हम लोग लिखेंगे PDF टू गो कंप्रेसर। देखें हम सिंपली करना सर्च करेंगे, मेरे पास ये आ गया, यहाँ से हम सिंपली इसको ओपन करेंगे PDF टू गो कन्वर्टर को। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट इसने, हम यहाँ पे करेंगे कंप्रेस PDF पे, ये वेबसाइट ओपन हो गई है, हम यहाँ पे कंप्रेस PDF पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमने सिंपली अपनी फाइल चूज़ करनी है, हमारी फाइल फाइल्स में होगी, हम यहाँ पर सिंपली फाइल्स में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने साइड पे जाना है, यहाँ पे हमारे पास हमारी फाइल कहाँ पे सेफ है हमें पता होना चाहिए, फाइल्स के अंदर सेफ़ है। हम यहाँ से इंटरनल स्टोरेज के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारी GB व्हाट्सएप के अंदर हमारी फ़ाइल सेफ है। आपकी फ़ाइल आपके मोबाइल पे जहाँ पर सेफ हो आपको पता होना चाहिए, मेरी फ़ाइल GB व्हाट्सएप में सेफ़ है। यहाँ से मैं GB व्हाट्सएप के डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, यहाँ से हमारी ये रही हमारी फ़ाइल, ये देखें 18 MB आप लोगों को नीचे लिखा नज़र आ रहा होगा, मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा, अभी वेटिंग हमें करनी पड़ेगी, ये फ़ाइल अपलोड हो रही है। ये सेम तरीका मैंने कंप्यूटर पर भी बताया था, तो आप इसको इसी तरह मोबाइल पर भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर अभी वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, चूज़ फ्रॉम अप प्रेजेंट नॉर्मल 72 DBI की इमेज रखनी है। ये देखें ये फ़ाइल अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर कि आपके इंटरनेट की स्पीड कैसी है। हमारी फ़ाइल अपलोड हो गई है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये हमारी कंप्रेशन स्टार्ट करेगा या प्रोसेसिंग करेगा। देखिए हमारी फाइल सिर्फ 3 MB की रह गई है, अब हम सिंपली अपनी फाइल को डाउनलोड कर लेंगे यहाँ से। ये देखें यहाँ से ये पूछ रहा है कि आपने अपनी फाइल को डाउनलोड करना है, यस हमने डाउनलोड करना है। हमारी फाइल अब डाउनलोड होके ये हमारे पास ओपन हो गई है, देखें हमारी फाइल आ गई है। अब हम ये देखते हैं अब ये हमारी फ़ाइल कहाँ पे गई है, हम दोबारा फाइल्स में जाएंगे। ठीक है, फाइल्स के अंदर हम आगे लोकल में थे, यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा, हम अब जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स के अंदर ये देखें हमारी यहाँ पर हमारी फ़ाइल मौजूद होगी, ये देखें ये फाइल, ये रही फाइल हमारी, तो सिंपली ओपन करके देखते हैं। ये देखें इसका रिजल्ट बिल्कुल ओके है, 45431 ये इसने अपनी मर्ज़ी से नाम दिया, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये देखें ये फाइल रही हमारे पास, ये सिर्फ 3 MB की है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, और अगर किसी दोस्तों किसी बात की समझ नहीं आई तो वो नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।